दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को 40वें दिन भी जारी रही। वहीं राज्य के 250 डिपो में से 78 में बस परिचालन सेवा शुरू हो गई। MSRTC के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को निगम ने कुल 16,000 वाहनों में से 1,700 बसों का परिचालन किया। बिजली का उपयोग करने वाले अधिकतर ग्राहकों द्वारा बिल का भुगतान करने में आनाकानी की जाती है, जिसके चलते बकाया बिजली बिलों की सूची लगातार बढ़ रही है। जिले में नवंबर 2021 के अंत तक सभी तरह के बिजली ग्राहकों की ओर 17,96,00,000 रुपए बकाया होने की जानकारी है। महावितरण के अकोला मंडल में कुल मिलाकर 3,80,786 ग्राहक हैं। अकोला पुलिस विभाग के विशेष दल ने सोमवार को रॉयली जीन परिसर स्थित रेणुका ट्रांसपोर्ट पर छापा मारकर तीसरी कार्रवाई की। इस कार्यवाही में 2,300 लीटर बायोडीजल का अवैध जखीरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपए आकी गई। इस मामले में ट्रांसपोर्ट मालिक सहित चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहर में सड़कों पर इतनी धूल है कि आने जाने वालों की आंखों में और चेहरे पर जलन होने लगती है। थोड़ी भी हवा चलती है तो सड़कों पर धूल के बादल से दिखाई देने लगते हैं। रोजाना आंखों में जलन होने की शिकायतें आ रही हैं। अकोला महानगर पालिका के चुनाव फरवरी 2022 में संभावित माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभाग रचना व आरक्षण का कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी न किए जाने से चुनाव समय पर होना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच OBC आरक्षण की वजह से भी मनपा चुनाव की उलझन बढ़ सकती है। मनपा के आगामी में 91 में से 42 चुनाव सीटें आरक्षित होने की संभावना है। मौज उमरी के खेत सर्वे क्रमांक 60, 61 व 62 की तत्कालीन बिरला आयल इंडस्ट्रीज की 48 एकड़ 18 गुंठा जमीन के सभी सेटलमेंट के बाद बनाई गई शीट क्रमांक 74A, 74B, 62C व 62D के भूखंड धारकों को उनके भूखंड के स्वामित्व के सबूत बुधवार 15 दिसंबर को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की सूचना जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सोमवार को जारी की है। संत गाडगे बाबर कुश्ती केंद्र के 3 महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने गत 3 दिसंबर को अमरावती में आयोजित अंतर महाविद्यालयीन कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कलर कोड प्राप्त किया, जिसके पश्चात इन खिलाड़ियों का चयन 30 दिसंबर को हरियाणा की अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। COVID-19 से मृत व्यक्ति के निकट रिश्तेदार को 50,000 की धनराशि की सानुग्रह सहायता प्रदान करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को दिए निर्देशानुसार आपदा व्यवस्थापन मदद व पुनर्वसन विभाग ने शासन निर्णय 26 नवंबर को प्रसारित किया है। सहायता प्राप्त करने हेतु कम से कम दस्तावेज समेत ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। कार्यक्रमानुसार जिले की 200 ग्राम पंचायतों के 403 रिक्त पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 318 इच्छुकों ने अपने नामांकन दाखिल किए। प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अंतिम दिन तक 346 नामांकन प्राप्त हुए हैं। कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश सरकार ने कोरोना की जांच की दर को एक बार फिर कम कर दिया है। सोमवार को सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। मरीज के खुद निजी लैब में जाकर नमूना देने पर अब केवल 350 रुपए लिए जाएंगे। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।